तो लास्ट क्लास में क्या किया था हमने? मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा समराइज करें तो दो तरह के हमने यूटिलिटी पढ़ी थी हमने, ठीक है। एक तो क्या टोटल यूटिलिटी एंड सेकेंड इज व्हाट मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होती है कि किसी भी एक कमोडिटी के जितने भी मैं यूनिट्स कंज्यूम करूँ, ठीक है, जितने भी मैंने यूनिट्स कंज्यूम कर रही हूँ उससे जो मुझे यूटिलिटी मिल रही है उन सब का क्या समेशन या एडिशन बोल सकते हैं ना, टोटल मिलाऊँ अगर मैं उन सबको तो मेरे पास क्या आ जाएगी, टोटल यूटिलिटी आ जाएगी, राइट। हमने और क्या देखा था कि इसको मेजर किस में करते हैं, मेजर किस में करते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, यूटिल्स, ठीक है। यूटिल्स इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। अगर मैं बात करूँ मार्जिनल यूटिलिटी की तो वो क्या होता है, हाँ, एक एडिशनल यूनिट के, ठीक है, एक एडिशनल यूनिट के आने से, ठीक है, यूटिलिटी में कितना इंक्रीज आ रहा है, ठीक है, कितना यूटिलिटी, कितनी यूटिलिटी ऐड हो रही है, ठीक है, इंक्रीज तो नहीं होता, यूटिलिटी क्या होती है, डिक्रीज ही होती है। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ यूनिट्स है ये, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, ठीक। मैंने मान लिया कि मैं, कोई भी मेरे पास गुड है, मैंने आइसक्रीम ले रही थी मैं अभी लास्ट क्लास में, तो आइसक्रीम मैंने मान लिया, मैंने एक आइसक्रीम कंज्यूम करी, दूसरी कंज्यूम करी, तीसरी और चौथी, राइट। तो मुझे इससे जो यूटिलिटी मिल रही है, राइट, तो इसकी बात करेंगे। फर्स्ट यूनिट पे मुझे एक आइसक्रीम खाने से 20 यूटिल्स मुझे मिले, सेकेंड मैं खाऊंगी तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन तो मिलेगी ना, ओके, इससे कम मिलेगी क्योंकि मैं पहली बार जो खा रही हूँ उस लेवल की सेटिस्फैक्शन दूसरे लेवल पे मुझे नहीं मिलेगी, तो इससे मुझे कम मिलेगी। तो इससे चलो ठीक है कम मिली, लेकिन कुछ ना कुछ तो सेटिस्फैक्शन मिलेगी, तो कुछ ना कुछ, पहले तो कितना था, 20 था, लेकिन अब थोड़ा सा और बढ़ गया ना, कितना हो गया, 18 और आ गया, 20 तो है ही, ओके, उस कमोडिटी के 20 है अभी, ओके, एंड 18 क्या हो गया, एक्स्ट्रा ऐड हो गया, ड्यू टू वॉट, ड्यू टू एडिशन ऑफ वन मोर यूनिट, वन मोर यूनिट। इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी, कि एक एडिशनल यूनिट के आने से, ठीक है, एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से यूटिलिटी कितनी ऐड हुई है एक्स्ट्रा, राइट। तो यही हमारी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है, यही आई बात समझ में। टोटल यूटिलिटी में क्या बोल रही हूँ, ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं थोड़ा सा। एक और हमने क्या किया, दो आइसक्रीम खाई अभी, ठीक है, हमने क्या सोचा कि चलो एक और खाते हैं, या किसी ने फोर्स कर दिया एक और खाते हैं, हमारा नहीं मन है, ओके, अगेन ठीक है, आइसक्रीम तो मुझे पसंद ही है, लेकिन मैं इससे पहले ही दो खा चुकी हूँ तो कितना ही खाऊंगी मैं। और वो बात हमेशा क्या होती है, पर सेम चीज़ खा रही हूँ मैं, है ना, ऑफ अ कमोडिटी, ऑफ द सेम कमोडिटी, इस चीज़ की बात होती है, राइट। तो मैंने एक और आइसक्रीम खाई, तो अब ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मुझे, हाँ, कुछ ना कुछ अच्छा तो लगेगा ही मुझे, कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगी, बट अब इन दोनों से कम, मान लेते हैं इसकी 16 की सेटिस्फैक्शन मिली मुझे, राइट। तो यहाँ भी क्या हुआ, देखो मार्जिनल यूटिलिटी पिछले वाले यूनिट से कम है, पिछले वाले यूनिट से कम हो रही है, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐड तो हो रही है ना, राइट। अभी तक कितना था, अभी तक ये 20 और ये 18, लेकिन अब एक यूनिट को बढ़ाने से कुछ ऐड हो गया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। इफ आई टॉक अबाउट व्हाट, मैंने यहाँ पे 13 ले लिया नेक्स्ट के, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट टोटल यूटिलिटी, तो ये क्या होता है, अगर मैं इस लेवल की बात करूँ तो टोटल कितनी है अभी तक, एक एक ही खाई है, एक यूनिट खाई है, 20 है, ठीक है। इसकी बात करूँ इस लेवल तक की, तो 20 तो थी एक यूनिट के खाने से, अब दो यूनिट खा चुकी हूँ मैं, राइट, तो 38, गुड, ठीक है। थर्ड इसकी बात करूँ थर्ड तक की, तो 20, 18 एंड 16, 54, ओके, एंड देन इसकी बात करूँ तो 13 और ऐड हो जाएगा इसमें, 67 हो जाएगा, आई बात समझ में। ये हमने डिस्कशन किया था ऑलरेडी, इसके वजह से भी क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ऐसे टेबल्स दे दी जाएंगी, और जैसे होता है ना कि बीच में कुछ कुछ गैप्स खाली छोड़ दिए स्पेस और तुम्हें फिल करना होगा, तो हमें निकालना आना चाहिए क्या कैसे निकलता है। अभी हम करेंगे उस पर क्वेश्चंस, ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर क्वेश्चंस ही करेंगे आज, राइट। ऑल राइट, ऑलराइट। अच्छा एक बार मैं थोड़ा सा, ये जो टोटल यूटिलिटी है, ठीक है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, इसको कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ पे। तो कोई भी टेबल ले लो, आइसक्रीम कंज्यूम हम कर रहे थे वही टेबल लेते हैं, उसकी हेल्प से हम ड्रॉ बनाने की कोशिश करते हैं, ओके। तो यूनिट्स ले रहे थे हम किसकी, आइसक्रीम की ले रहे थे, राइट, तो 1, 2, 3, 4, 5 ले लेते हैं, ये ले लिया, ओके। उसके बाद
मैं ना सबसे पहले टोटल यूटिलिटी प्लस मार्जिन दोनों का बनाकर देखेंगे, तो पहले MU ले लेते हैं फिर TU ले लेंगे, ठीक है? ओके, तो एग्जैक्टली यही ले रही हूँ मैं, 20 16, ओके 10 4 0, एक और लेते हैं -6। अच्छा ये देखो, एक ऐसा पॉइंट भी आ सकता है जहाँ मुझे मेरा बिल्कुल ही मन भर जाए, मुझे बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन ना मिले, और फिर भी उसके उस देखो अब तो मुझे क्या मिले, जीरो सेटिस्फैक्शन मिल रही है, एक यूनिट और एक्स्ट्रा एड हुई, मेरी सेटिस्फैक्शन कहाँ चली गई, जीरो लेवल पे, मुझे बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन नहीं। इसके बाद भी अगर मैं खाऊंगी तो अब तो सेटिस्फैक्शन जीरो क्या, उससे भी नीचे कम हो जाएगी, तो नेगेटिव में भी जा सकती है, ठीक है? TU की बात करें तो 20 36 यही होगा, ठीक है कैलकुलेशन चेक कर देना ना, 46 50 50 अगेन बिकॉज ये तो जीरो ही है, एंड दिस विल बिकम 44, यही होगा ठीक है। नाउ वी विल ट्राई टू प्लॉट दिस ऑन द ग्राफ, इसको वहाँ लिख लो एक बार, उसके बाद हम ग्राफ बनाते हैं साथ में। डन, ठीक है। अब देखो सबसे पहले TU को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती हूँ मैं, राइट? यहाँ पे आई विल टेक नंबर ऑफ यूनिट्स, यहाँ पे हम हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, तो ये जो TU आएगा वो TU ऑब्वियसली किस पे डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ यूनिट्स पे, ठीक है? MU नहीं ले रहे अभी, अभी किसको रिप्रेजेंट करें, TU को। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट में इंक्रीज आएगा वैसे वैसे ही MU में चेंज आ रहा है, और वैसे वैसे ही TU में भी चेंज आ रहा है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हुआ, ये वाला, ये वाला, ये वाला डिपेंडेंट, ये हुआ ना इसके बढ़ने से, ये बढ़ राइट या कम हो रहा है, यहाँ पे कम भी हुआ है, नेगेटिव में जाने से कम भी होता है, ठीक है? तो बात करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं जरा अगर टेबल की बात करूँ तो 10 20 ही ले लेते हैं बिकॉज और तो कुछ नहीं है, ठीक है? तो 10 20 30 40 50, एंड नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी लेनी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? देखो आगे किसको रिप्रेजेंट कर रही है, क्या है हमारे पास, ये TU है, ओके, एंड ये नंबर ऑफ यूनिट्स है, ऑल राइट। वन पे, वन यूनिट कंजम्पशन पे कितनी सेटिस्फैक्शन, टोटल यूटिलिटी कितनी है, 20, तो ये वन यूनिट है, वन पे कितनी, 20। टू यूनिट्स पे 36, टू यूनिट्स 36 कहाँ आएगा, कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, है ना, 35 यहाँ है, ठीक है, इससे थोड़ा सा ऊपर 36 आएगा, राइट? तो अगर इसको थोड़ा सा मैं ऐसे ले जाने की कोशिश करूँ, यहाँ मान लो, ठीक है, यहाँ मान लेते हैं इसको, क्लियर। थर्ड यूनिट पे देखो 46, ये किधर आएगा, कहीं ना कहीं इन दोनों के यहाँ आए, यहाँ से ऐसे लेते हैं, यहाँ मान लो, ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे बोर्ड पे ऊपर नीचे हो सकता है, पर जब अच्छे से प्लॉट करोगे तो बता दूंगी मैं एग्जैक्टली क्या शेप बनेगी, और दिख भी जाएगा यहाँ पर, ओके। थर्ड यूनिट हो गई, फोर्थ पे अगेन, फोर्थ पे क्या है, 50 है, ठीक है? फोर्थ यूनिट पे देखो, इट इज 50, राइट? यहाँ आ जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। फिफ्थ यूनिट पे क्या है, फिर से 50, फिफ्थ पे आओ, यहाँ पे ले आओ इसको, 50, थोड़ा सा ऊपर जी, ठीक है। सिक्स्थ यूनिट पे क्या है, 44, 44 कहाँ आएगा, इससे थोड़ा सा नीचे आएगा, सॉरी यहाँ से, इससे थोड़ा सा नीचे आएगा, राइट? बिकॉज ये 46 है, तो 44 कहीं ना कहीं यहाँ होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो यहाँ मैं थोड़ा सा अंदाजे से यहाँ लगा रही, ठीक है? ये गॉट इट, मैच करो ज़रा इसको, मैं यहाँ से शुरू कर देती हूँ उसको। यू एबल टू सी कैसे हो रहा है ये,
पहले राइज है, फिर हाँ फिर एक पॉइंट पे क्या सेम भी आया हमारे पास, फिर क्या डिक्रीज करने लग गया, राइट? ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ देखो, पहले तो अगर टोटल यूटिलिटी की बात करूं तो एडिशन तो चल रही है ना इसमें, तो इसमें तो क्या आती है, एडिशन होती रहती है, राइट? तो एडिशन की वजह से इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन जिस पॉइंट पे एम यू बढ़ना ही बंद हो गया, एम यू कुछ एम यू की कोई वैल्यू ही नहीं है उस पॉइंट पे, क्या ये बढ़ेगी? जब कुछ ऐड नहीं हो तो बढ़ेगी ही नहीं, उतना ही रहेगा। और जिस पॉइंट पे एम यू जो है वो नेगेटिव में चला गया तो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बना है, ना ही बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनी है, ना ही ऐसे बिल्कुल एक कर्व जैसा बना है। तो ये हमारा क्या है, टी यू है। गॉट इट? इसी के जस्ट नीचे बना लो, इसी के जस्ट नीचे हम एम यू बनाने की कोशिश करेंगे। और क्यों इसके नीचे बनाएंगे, आई टेल यू, बिकॉज थोड़ा बहुत ये जो टी यू है ये एम यू पे भी डिपेंड करता है। ओके, एम यू पे डिपेंड करता है, तो हम देखेंगे कि जहाँ पर मतलब हम देखेंगे कि एम यू के किस वैल्यू पे टी यू की क्या वैल्यू रहती है, या फिर टी यू के किस वैल्यू पे एम यू की क्या वैल्यू है, तो साथ में दोनों को रिलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? कहने का मतलब ये है, सर इसका ग्राफ कुछ ऐसा ही बनता है हमेशा इस तरीके से, राइट? हाँ, अगर यहीं पे मान लो यहाँ तक हो गया, ठीक है, तो डिक्रीज होना, डिक्रीज नहीं होएगा। कहने का मतलब ये जो मतलब था ना, इसका मतलब ये है, देखो जैसे जैसे वो नेक्स्ट यूनिट कंजम्पशन करेगा वैसे वैसे क्या, अब यहाँ पे अगर जीरो, अगर वो जीरो लेवल पे आ गया है, या तो क्या कर दे यहीं पे स्टॉप कर दे कंजम्पशन करना, तो उसकी सेटिस्फैक्शन कितनी इतनी रहेगी, मतलब लिमिटेड रहेगी, इतनी रहेगी, बट नेगेटिव में नहीं जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब ये है कि डिक्रीज भी हो सकता है, ये इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये डिक्रीज हो सकता है। तो जनरल अगर किसी चीज़ का ग्राफ बनाते हैं ना, तो मैं इसको ये नहीं कह सकती कि बिल्कुल हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा ये ऐसा। तो अगर मुझे कर्व बताना हो कि कैसा बनता है टी यू, मैं क्या बताऊंगी, ऐसा है, ऐसा होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इंक्रीज होगा पहले इनिशियली, ठीक है, फिर क्या होगा, हो सकता है कि कांस्टेंट हो जाए, फिर डिक्रीज भी हो सकता है। तो ये बताने का तरीका है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है इन अ जनरल वे, राइट? तो वो तो हर कंज्यूमर पर डिपेंड करता है, तो सबका अपना अपना ग्राफ बनेगा। एक जनरल टर्म में बात करूँ तो ऐसा ग्राफ बनता है इसका, क्योंकि इंक्रीज होता है इनिशियली, ज़्यादा और कंज्यूम करोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, राइट? कोई भी मार्जिनल यूटिलिटी नहीं होगी, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से कांस्टेंट हो जाएगा एक पॉइंट पे। फिर उसके बाद हो सकता है कि और यूनिट्स कंज्यूम करेगा, तो क्या होगा, नेगेटिव में जाएगा एम यू, और एम यू के नेगेटिव में जाने की वजह से क्या होगा, डिक्रीज होने लग जाएगा, राइट? तो दिस इज अ जनरल पॉइंट, कोई स्पेसिफिक कंज्यूमर का नहीं है ये। ओके, आई बात समझ में, क्लियर है? एम यू बनाए, यहाँ पे आप क्या लोगी, नंबर ऑफ यूनिट्स, अगेन एम यू भी नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पे विल टेक एम यू। वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, ठीक है, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग फोर की टेबल लेते हैं, राइट? फोर मैक्सिमम क्या है, 20 है ना? ओके, 8 12 16 20। यूनिट वन के कंजम्पशन की वजह से 20, वन के कंजम्पशन की वजह से 20, करेक्ट? यूनिट टू के कंजम्पशन की वजह से 16, आओ 16 पे, थोड़ा सा नीचे, ठीक है। यूनिट थ्री के कंजम्पशन की वजह से 10, 10 कहाँ आएगा, ये 8 एंड 12 है, दैट मीन्स यहाँ पे 10 होगा कहीं ना कहीं बीच में, राइट? 8 9 10 11 12, ओके, तो यहाँ पर 10 होगा कहीं ना कहीं, यूनिट थ्री, यूनिट थ्री, यूनिट थ्री यहाँ पर,
ओके, यूनिट फोर, फोर फोर एंड फोर, फाइव पे जीरो, सिक्स पे -6, नीचे जाना पड़ेगा मुझे। नीचे कहाँ जाना पड़ेगा? इस पे, इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज -6 किस पे है? MU है ना, तो वाई एक्सिस पे ले रहे हैं हम MU को, तो नीचे इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या आएगा नीचे? -4 एंड -8, इतने में कवर हो जाएगा इन दोनों के बीच में, राइट? तो माइनस इन एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में होगा। कौन सी यूनिट पे? 6th यूनिट पे। ये बात समझ आई क्या सीन है ना? नेगेटिव बनाना पड़ेगा। और हमने वाई एक्सिस को क्यों नेगेटिव में लिया? एक्स को क्यों नहीं? बिकॉज हमें एक्स की वैल्यू, हम MU, MU हमारा नेगेटिव में है, राइट? और MU किस पे है? वाई एक्सिस पे। तो इसका कैसा सा ग्राफ बन रहा है देखो, थोड़ा सा पहले ऐसा इसको मैच कर दो, कुछ इस तरीके का ग्राफ बन रहा है इसका, है ना? दिस इज व्हाट MU। अच्छा अब ये देखो, इसको जरा इस पॉइंट पे आते हैं, किस पॉइंट पे आते हैं? यहाँ पर। ये वही पॉइंट है जिस पे क्या है, जिस पे कि हमारा TU जो है मैक्सिमम है, मैक्सिमम है ना TU यहाँ पर, और MU जो है क्या है? जीरो है। सेम ही पॉइंट था ना, जिस पॉइंट पे TU मैक्सिमम है उस पॉइंट पे MU क्या है? जीरो है। मैंने बस इसको मैच करने की कोशिश की, सेम ही पॉइंट है ये, इसलिए बिल्कुल इसके नीचे बनाया। एग्जैक्टली इसके नीचे बनाऊंगी तभी ये मैच करेगा इस तरीके से, राइट? तो दिस इज व्हाट 0 MU एंड दिस इज व्हाट मैक्सिमम TU। आई कैन सी दैट MU कैन बी वॉट? पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज जीरो, राइट? तो MU तीनों ही हो सकते हैं। TU के लिए मैंने क्या ऑब्जर्व किया? इंक्रीजिंग भी हो सकता है, कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, एंड डिक्रीजिंग भी हो सकता है, एंड इट डिपेंड्स ऑन वॉट? MU, राइट? MU के अकॉर्डिंग ही तो ये, अगर MU जीरो हो गया तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा उस पॉइंट पे, अगर MU नेगेटिव में चला जाएगा तो डिक्रीज होने लग जाएगा उसके बाद से, उस पॉइंट के बाद से। फ्रॉम हियर वी कैन राइट द रिलेशनशिप बिटवीन वॉट? TU एंड MU लिख सकते हैं हम दोनों के बीच में रिलेशन। अब यही करेंगे, अब यहाँ पे इसको इसको ड्रॉप करके वो कर लो आराम से, ये वाला पार्ट ड्रॉप कर दूँ। डन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। यहाँ पर हम तीन पॉइंट्स देखेंगे इसके, तीन पॉइंट्स क्यों? बिकॉज यहाँ पे तीन ही फेज दिख रहे हैं मुझे, है ना? इसका, इसके क्या तीन फेज है? इसके, इसके तीन फेज क्या है? पहले क्या हो रहा था? डिक्रीज, एक पॉइंट पे जीरो पे आया, फिर नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, इसके तीन फेज ये थे। इसके क्या थे? इंक्रीज, कॉन्स्टेंट, डिक्रीज, ये था ना? ऐसे लाइन से याद रखो, जैसे जैसे इसका है, बिकॉज ये दो दोनों हैं, मतलब जो लाइन से अगर मैं बोलूँ याद करने को, तो इसके पॉजिटिव रहने की वजह से ही तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये इंक्रीज हो रहा है, राइट? इसके जीरो आने की वजह से तो ये कॉन्स्टेंट रह रहा है ना? टेबल में देखो, टेबल में जो मैं बोल रही हूँ, और इसके नेगेटिव में जाने की वजह से ही तो ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो ये रिलेशन नहीं हो गया दोनों के बीच में? इन्हीं तीन पॉइंट्स को हमें लिखना है, ठीक है? तो पहला पॉइंट लिखो, TU इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन कंजम्पशन,
विद एन इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। फॉर कमोडिटी देखो क्या बोला गया कि टी यू इंक्रीज करता है अगर कंजम्पशन यूनिट में बढ़ा रही हूं तो, लेकिन कब इंक्रीज करेगा? व्हेन एम यू इज, टी यू इंक्रीज कब करेगा? जब एम यू क्या होगा? टी यू इंक्रीजिंग कब होगा? टेबल में देखो, टेबल में पॉजिटिव में, ठीक है? तो व्हेन एम यू इज पॉजिटिव, तब तक वो इंक्रीज करेगा टी यू जब तक एम यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि एम यू के, एम यू ही तो ऐड होता है, तो एम यू अगर पॉजिटिव में है तो कुछ ना कुछ ऐड होता रहेगा टी यू के अंदर। आ रही बात समझ में? तो व्हेन एम यू इज पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। ओके, इस वाले केस में कहाँ तक है, किस लेवल तक है, किस यूनिट तक है? देखो इंक्रीजिंग की बात, फर्स्ट पॉइंट की बात करें, टी यू इंक्रीजिंग व्हेन एम यू इज पॉजिटिव कब तक है? फोर्थ तक, तो टिल फोर्थ यूनिट। इस वाले टेबल में कहाँ तक है? टिल फोर्थ यूनिट। ओके, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे हम, व्हेन टी यू रीचेस इट्स मैक्सिमम, जब टी यू अपना, टी यू रीचेस इट्स मैक्सिमम, एम यू बिकम जीरो, एम यू जीरो है उस पॉइंट पे। या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं हम कि जब एम यू जीरो है तब टी यू किस पे होगा? मैक्सिमम पे होगा, राइट? तो अगर मैं देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उल्टा सा लिख दिया, उल्टा सा कैसे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टी यू इंक्रीजिंग व्हेन एम यू इज पॉजिटिव, मतलब एम यू के ऊपर टी यू डिपेंडेंट, ऐसे दिखा रही हूँ। और इस वाले स्टेटमेंट में थोड़ा उल्टा लिख दिया कि टी यू जो है टी यू के ऊपर एम यू डिपेंडेंट है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप है ये, कैसे भी लिख सकते हो इसको, ठीक है? तो इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि एम यू बिकम जीरो, व्हेन एम यू बिकम जीरो टी यू रीचेज इट्स मैक्सिमम, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? इस वाले पॉइंट में बताओ टी यू किस पॉइंट पे जीरो पहुंचा है, किस लेवल पे? फिफ्थ। ओके, फिफ्थ की बात करनी है हमें मैक्सिमम। अब देखो तुम बोलोगे कि एम यू तो ठीक है, यहाँ पर एक और लेवल है यहाँ पर जहाँ पर हम बोल सकते हैं दोनों पे 50-50 है, बट मैक्सिमम मतलब यूनिट्स की कंजम्पशन के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है? जिस एंड तक हमें देखना है, एंड तक जिस लेवल तक, राइट? नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा? ये फर्स्ट हो गया, ये दूसरा बन गया, तीसरा देखेंगे। तीसरा क्या होगा? अब क्या हो रहा है? वो तो मैं कर दिया, मैक्सिमम पे एम यू जीरो है तो टी यू किस पे? अपने मैक्सिमम पॉइंट पे। एम यू नेगेटिव में जाएगा तो टी यू डिक्रीज हो जाएगा, यही पॉइंट है, ठीक है? तो लिखो व्हेन, व्हेन एम यू बिकम्स नेगेटिव टी यू स्टार्ट्स फॉलिंग, एम यू बिकम्स नेगेटिव टी यू स्टार्ट्स फॉलिंग, ठीक है? आई बात समझ में? तो ये हमारे क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, राइट? ठीक है, अब एक चीज देखो, जिस पॉइंट पे टी यू जो है मैक्सिमम रीच कर गया और एम यू क्या आ रही है मेरी? जीरो आ रही है, मतलब इस, अब मुझे कोई नहीं मिल, हाँ मैक्स है उस लेवल पे, मुझे क्या मिल रही है? जीरो मिल रही है। तो मतलब क्या है कि एक उसको हम बोलते हैं, मैं बता दूँ टर्म, बता दूँ, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटायटी। क्या बोलते हैं? पहले टर्म लिखनी है, पॉइंट ऑफ सेटायटी, फिर मैं बताती हूँ क्या है। अभी देख लो एक बार क्या है पॉइंट ऑफ सेटायटी। पॉइंट ऑफ सेटायटी बोलते हैं इसको, ठीक है? अब ये पॉइंट ऑफ सेटायटी होता क्या है? पॉइंट ऑफ सेटायटी वो पॉइंट होता है जिसके, मतलब जिस पे मैं एक लेवल मतलब रीच कर चुकी हूँ, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। सेटायटी मतलब सेटिस्फैक्शन, राइट? सेटायटी मतलब क्या? सेटिस्फैक्शन। तो मेरा सेटिस्फैक्शन पॉइंट जो है वो रीच हो चुका है, इसके बाद अब कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकती है मुझे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सेटायटी। कहाँ पर है इस वाले में बताओगे मुझे? पॉइंट ऑफ सेटायटी किधर है? हाँ हाँ बताओ, ठीक है? तो ये जो, ठीक है, अगर एमयू के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो ऑब्वियसली इस वाले, ठीक है, यहाँ देखेंगे यहाँ पर, तो ये जो मैक्सिमम टीयू है यही क्या है? पॉइंट ऑफ सेटायटी है, राइट? तो यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर ऐसे लिखी गई है जो हमने बनाया है इसके कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है कि
व्हेन फिफ्थ आइसक्रीम इज कंज्यूम्ड, ठीक है, तो दिस इज नोन एज व्हाट, पॉइंट ऑफ सेटाइटी, राइट। तो यहाँ पे टी यू कर्व क्या है, स्टॉप राइजिंग, यहाँ पे और ज्यादा राइज नहीं होगी ना, अब राइज क्यों नहीं होगी, क्योंकि अब मैक्सिमम लेवल रीच कर चुका है, पॉइंट ऑफ सेटाइटी रीच कर चुका है, ठीक है। दिस वॉज द पॉइंट, ये क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक, ईजी है ये वाला, थोड़ा सा बस थोड़ा सा ध्यान रखना कैसे क्या ड्रॉ, हमेशा क्या बना लो, अगर जैसे अगर कुछ भी ये भी बनाना है, ग्राफ बनाना है, तो ये याद नहीं रहता ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये तो पता है ना कि अब सेटिस्फैक्शन मैंने क्या समझाया कि ऑब्वियसली एज अ ह्यूमन, ठीक है, एक टेंडेंसी है कि एक फर्स्ट यूनिट खाएंगे तो सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलेगी, कम होता जाएगा, तो अपने अकॉर्डिंग बना लो। और ध्यान ही रखना है कि सेटिस्फैक्शन नेगेटिव में भी जा सकती है, ओके, अगर जनरलाइज में बनाना हो तो नेगेटिव में जीरो भी ले लो, नेगेटिव तक ले जाओ उसको, ठीक है। तो दिस वाज़ द पॉइंट, किसको, हाँ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं, बिल्कुल। तो पहले सबसे पहले क्या करना है, एम यू लिखा करो पहले, टी यू उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, ऐड करते जाओगे सबको, है ना। नेक्स्ट वी हैव इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट से, जो मैं अभी बता चुकी हूँ ना, जो मतलब मैं बता चुकी हूँ इस चीज़ को, अब इसको रिटन फॉर्म में हमें समझना है कि ये इसका नाम है, इसको एक लॉ बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग, ठीक है, डिमिनिशिंग मतलब डिक्रीजिंग। मार्जिनल यूटिलिटी हम पढ़ ही चुके हैं क्या होता है, एक एडिशनल यूनिट की वजह से जो यूटिलिटी ऐड होती है उसको ही बोलते हैं। तो डिमिनिशिंग मतलब डिक्रीजिंग बताया मैंने, मतलब क्या कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या होती है, डिक्रीजिंग होती है, उसका लॉ पढ़ना है। ये तो हमें पता ही है डिक्रीज होती है, क्यों, क्योंकि एक एडिशनल यूनिट अगर एक्स्ट्रा कंज्यूम करूँ तो मुझे थोड़ी सी कम सेटिस्फैक्शन मिलेगी, थोड़ा सा कम एडिशन होगा, है ना, पिछले यूनिट से क्या होगी, कम सेटिस्फैक्शन मिलेगी मुझे। तो यही चीज़ इस लॉ के अंदर है। इस लॉ का मतलब जो भी मैंने तुम्हें अभी तक समझाया है कि एक यूनिट मैंने कंज्यूम करी तो उसकी सेटिस्फैक्शन से मुझे क्या मिली, थोड़ी सी कम मिली, इसी को हमने क्या नाम दे दिया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हमने नहीं दिया, इकोनॉमिस्ट ने दिया, ठीक है। लिख लो इसके अंदर क्या लिखना है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी रिफर्स टू, ओके ठीक है, रिफर्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कॉमा द यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव की स्पेलिंग क्या है, ये एस यू डबल सी ई डबल एस आई वी ई, ईच सक्सेसिव यूनिट goes on decrease, यही बोला गया है कि जैसे जैसे मैं ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करूंगी तो ईच, यहाँ पे ईच लिखा गया ना, एम यू क्या होता है, ईच होता है हर एक यूनिट के एडिशन की वजह से, तो ईच सक्सेसिव यूनिट, सक्सेसिव मतलब नेक्स्ट, हर अगले एक यूनिट के एडिशन की वजह से क्या होता जाएगा, एम यू हमारा क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, उससे जो यूटिलिटी मिलती जाएगी वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो ये करेंगे, बट इससे पहले ना वी हैव सम अजम्पशंस, अजम्पशंस फॉर दिस लॉ, ओके। और ये जो लॉ है हमारा, ये जर्मन इकोनॉमिस्ट एच एच गोसेन ने दिया था, किसने दिया था, एच एच गोसेन ने दिया था, क्यों बता रही हूँ, बिकॉज इसके इस लॉ का और भी नाम है,
ओके, इस लॉ को हम बोलते हैं गोसेंस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन, इनके नाम पे ही गोसेंस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं। वी डोंट एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस नेम, वी ओनली एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस नेम। ठीक है, याद रहेगा तो अच्छी बात है। मतलब अगर आ भी आता है ना, लेट्स सपोज आ भी आता है 1% भी अगर, तो इतना तो हाँ होगा कि हाँ ये वाला ही लॉ होगा, ये गॉसेंस नाम क्लास में कहीं ना कहीं किया था, राइट। क्या किस नाम से जानते हैं इसको? इस नाम से जानते हैं, और यही नाम हमारा चलता है, ठीक है, और इसी नाम से गॉसेंस फर्स्ट लॉ ऑफ व्हाट कंजम्पशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी अजम्पशंस हैं, इसकी अजम्पशंस क्या है एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखो अजम्पशंस ऑफ दिस लॉ, ठीक है, इसी के अंदर लिखना है, मेन हेडिंग ये है, अब इसके अंदर ही इसके अजम्पशंस, इस लॉ के अजम्पशंस कर रहे हैं। अजम्पशंस क्या होते हैं? हमें कुछ चीज़ें बिना क्वेश्चन किए माननी है, राइट, तभी ये लॉ जो है हमारा वर्क करेगा, वरना ये लॉ वर्क नहीं करेगा। ठीक है, पहला लिखना है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ओके, क्या कहते हैं इस लॉ के अंदर, मतलब ये अजम्पशन क्या कहती है हमें? ये अजम्पशन हमें ये कहती है कि देखो, जब मैंने फर्स्ट पेज में तुम्हें बताया होगा कि हमें क्या करना है, जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिली, मुझे उसको क्या करना है, मुझे एक नंबर देना है कि मुझे इतनी सेटिस्फैक्शन मिली, तो काफ़ी अजीब सा आइडिया लगा होगा कि कैसे उसको नंबर कैसे देते हम, है ना, लगता है थोड़ा सा। तो यही अजम्पशन है इसकी, कि जो हम अजम्पशन क्या कह रही है, कार्डिनल मेजरमेंट है यूटिलिटी की, कि यूटिलिटी को हम क्या कर सकते हैं, एक नंबर दे सकते हैं। कार्डिनल मतलब क्या, 1 2 3 4 वी असाइन कर सकते हैं हम नंबर, ठीक है। कार्डिनल मेजरमेंट क्या होता है? यही होता है किसी भी चीज़ को क्या करना, नंबर के फॉर्म में लिखना, राइट, क्वांटिटी को नंबर के फॉर्म में। तो इसकी यही अजम्पशन है कि हाँ, अगर मैं कोई चीज़ कंज्यूम कर रही हूँ, तो उससे जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिली है ना, उसको मैं नंबर्स, उसको नंबर्स असाइन कर सकती हूँ। तो ये क्या हो गई? अजम्पशन हो गई। तो ये अजीब पॉइंट है, लेकिन ये अजम्पशन है, तो हमें मान के चलना है तभी तो। अच्छा, मुझे बताओ कि इसकी इसके अंदर क्यों अजम्पशन है? क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं जब यूटिलिटी की बात करती हूँ, तो मैं उनको नंबर दे रही हूँ, MU इतना मिला मुझे फर्स्ट यूनिट से, ठीक है, फिर सेकंड से इतना, तो मैं क्या कर रही हूँ, नंबर, कार्डिनल अप्रोच यूज़ कर रही हूँ ना, मैं उनको नंबर असाइन कर रही हूँ यूटिलिटी को, किसको, यूटिलिटी को, राइट। तो फर्स्ट तो यही हो गया। सेकेंड क्या है हमारा? सेकेंड देखो, सेकेंड वी हैव मोनिट्री मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, मोनिट्री मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। मोनिट्री मतलब होता है मनी के टर्म्स में, तो यूटिलिटी को मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। इतना ही लिखना है, ठीक है। इस वाले में अगर अंदर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या लिखोगे इस वाले में अंदर? कि इट इज अज्यूम दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड एंड कैन एंड कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन कैन बी एक्सप्रेस इन क्वान्टिटेटिव टर्म्स, या ब्रैकेट में लिख लो, ऐसे लिख सकते हो कि 1 2 3 4 हम क्या कर सकते हैं, एंड सो ऑन, ये हम यूटिलिटी को दे सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, जैसे भी इजी लगे अपने टर्म्स में। वी कैन असाइन नंबर्स टू यूटिलिटी। क्लियर, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया हमारे पास, क्या कि मोनेटरी टर्म्स में यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। तो यूटिलिटी की बात करेंगे, इसको हम मेजर कर सकते हैं किस में, मोनेटरी टर्म्स में। मोनेटरी टर्म्स मतलब इनकी मनी वैल्यू होगी। एक और, जैसे हमने जब यूटिलिटी की बात करी थी, तो एक तो हमने कार्डिनल अप्रोच किया था, और दूसरा हमने क्या किया था, मनी के टर्म्स में, कि कंज्यूमर जितना कितना विलिंग है, अगर वो किसी चीज़ को खरीदने के लिए विलिंग है, तो ऑब्वियसली उसको उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तभी तो खरीदना चाह रहा है वो। तो यही बात यहाँ पर है कि उसकी कुछ ना कुछ क्या है, मॉनेटरी वैल्यू है उसकी। थर्ड पॉइंट देखो, कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी, ये पॉइंट समझने वाला है। कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी,
एक्सप्लेन करो इसको। देखो रीजनेबल क्वांटिटी मतलब क्या, एक सही क्वांटिटी, रीजनेबल क्वांटिटी होनी चाहिए उस एक, हम सही क्वांटिटी को क्या करें, कंज्यूम करें। क्या मतलब है इसका, एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मुझे बहुत प्यास लग रही है और मैं क्या कर रही हूँ, स्पून से पानी पी रही हूँ। मैंने स्पून से पानी पिया, ठीक है वन, ठीक है, तो क्या मुझे सेटिस्फेक्शन मिली बहुत सारी? नहीं मिली ना। मैंने नेक्स्ट स्पून भी पिया, अभी भी क्या मुझे मतलब मेरी सेटिस्फेक्शन क्या कम होगी? अभी नहीं होगी ना। बट ये लोग का कहता है सेटिस्फेक्शन क्या होती है, कम होती रहती है। लेकिन अगर मैं ऐसे स्पून से पानी पीती रहूँगी तो मेरी सेटिस्फेक्शन तो पूरी नहीं होगी, और हर जो मेरी वो जो यूटिलिटी है वो कम नहीं होगी। बट इस लॉ के अकॉर्डिंग यूटिलिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। मेरी मतलब यूटिलिटी जो है वो कम क्यों नहीं हो रही, मेरी मेरी प्यास क्यों नहीं बुझ रही है? क्योंकि मैं कैसे पी रही हूँ, स्पून से पानी पी रही हूँ, तो ऑब्वियसली एक रीजनेबल क्वांटिटी में नहीं पी रही हूँ मैं पानी, राइट? तो अगर मैं रीजनेबल क्वांटिटी में लूँगी तभी वो इस लॉ के अंदर सही माना जाएगा। तो दिस इज़ अ पॉइंट कि अगर मैं ग्लास से पानी पी रही हूँ, एक ग्लास मैंने पानी पी लिया तो अब मुझे क्या मिली, सेटिस्फेक्शन मिल गई है। अब मैं नेक्स्ट ग्लास पीऊँगी तो मुझे थोड़ी सी कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। लेकिन अगर मैं स्पून से पी रही हूँ तो मेरे को तो सेटिस्फेक्शन मिल ही नहीं रही है, हर लेवल पर मुझे लग रहा है कि हाँ थोड़ी सी और मिली, थोड़ी सी और मिली, राइट? तो ये इस लॉ के खिलाफ हो जाएगा, अगेंस्ट हो जाएगा। तो ये यही इस लॉ की क्या है, अजम्पशन है एक। आई बात समझ में? तो इस एग्जाम्पल में इसको ना समझने के लिए एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है? एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, इफ अ थर्स्टी पर्सन इज गिवन वाटर इन अ स्पून, देन एवरी एडिशनल स्पून, देन एवरी एडिशनल स्पून विल प्रोवाइड मोर यूटिलिटी, विल प्रोवाइड मोर यूटिलिटी। तो अगर उसको हर एडिशनल स्पून से ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है तो इस लॉ के क्या हो गया, वो खिलाफ हो गया, अगेंस्ट हो गया। इस लॉ के अकॉर्डिंग हर एडिशनल यूनिट की वजह से यूटिलिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। लेकिन अगर स्पून से पिएगा तो कम नहीं, वो तो बढ़ेगी उसकी यूटिलिटी, राइट? तो यही यहाँ पर पॉइंट है। आगे क्या लिखना है, सो टू होल्ड द लॉ ट्रू, ये लॉ को ट्रू प्रूव करने के लिए, टू प्रूव दिस लॉ ट्रू, ठीक है, सुटेबल एंड प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, प्रूव दिस लॉ ट्रू, सुटेबल एंड प्रॉपर क्वांटिटी, सुटेबल एंड प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी शुड बी कंज्यूम्ड, ऑफ द कमोडिटी शुड बी कंज्यूम्ड, राइट? ये पॉइंट समझ आ रहा है कैसे इस लॉ को ट्रू होल्ड करने के लिए पॉइंट्स हैं, ठीक है? नेक्स्ट वी हैव इज कंटिन्यूअस कंजम्पशन। अगला पॉइंट क्या, फिफ्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ, कंटिन्यूअस कंजम्पशन। ठीक है, भी लगा दिया मैंने, ओके, कंटिन्यूअस कंजम्पशन। क्या मतलब है इसका, कंटिन्यूअस कंजम्पशन का? जैसे ऐसे मैं देखो क्या कर रही हूँ, मैं गुड कोई भी आइसक्रीम ली मैंने, मैंने उसकी एक यूनिट खाई, दूसरी भी खाई, तीसरी भी खाई, राइट? तो मैं यहाँ पर इस लॉ के अंदर मैं क्या कह रही हूँ कि हर यूनिट को खाने से यूटिलिटी जो है वो कम हो रही है। तो उस वो जो मैं यूनिट्स खा रही हूँ वो मैं क्या करूँ, कंटिन्यूअसली खाऊँ। ऐसा नहीं कि एक मैंने आज खाई है आइसक्रीम तो दूसरी कल खाऊंगी। अब ऑब्वियसली अगर मैं एक आज खा रही हूँ दूसरी कल खा रही हूँ तो कल भी तो मुझे अच्छी से खासी सेटिस्फेक्शन मिलेगी ना, क्योंकि मैं तुरंत नहीं खा रही हूँ, है ना? तो एक ही बार अगर मैं कंटिन्यूअसली खाऊँ तभी ये लॉ ट्रू प्रूफ होगा। लेकिन अगर मैं आज चॉकलेट खा रही हूँ, मैं 2 दिन बाद खाऊंगी, तो क्या मुझे 2 दिन बाद भी तो मेरी इच्छा होगी, खाने की इच्छा जग चुकी होगी तब तक मेरी खाने की, है ना? तो ये जो लॉ है वो उस टाइम पे हो सकता है कि मुझे चॉकलेट ज़्यादा अच्छी लग जाए क्योंकि मुझे उस टाइम पे ज़्यादा क्रेविंग हो रही है चॉकलेट खाने की, आज मुझे कम हुई थी। अरे बात समझ में? तो यही क्या कहता है कि हाँ जो भी हम
कंजम्पशन करें वो क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए, राइट। अभी मैंने एक यूनिट खाई तो उसके बाद ही मैं क्या खाऊं, सेकेंड यूनिट कंज्यूम करूं एक ही टाइम, एग्जैक्टली इसके एक के बाद एक वाली, एक के बाद एक वाला सीन है यहाँ पर, ठीक है। तभी तो क्या होगा, मैंने अभी तुरंत ये खाई है, नेक्स्ट खाऊंगी तो क्या होगी, यूटिलिटी कम होगी, वरना नहीं होगी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है नो चेंज इन क्वालिटी। क्या मतलब है नो चेंज इन क्वालिटी, पहले भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं कि सेम ही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर सेम है भी, मान लो डेयरी मिल्क, मैं चॉकलेट खा रही हूँ, कौन सी डेयरी मिल्क, सिल्क खा रही हूँ मैं, ठीक है, तो डेयरी मिल्क ले रही हूँ मैं फिलहाल, ठीक है। तो अभी मैंने खाई कौन सी, ठीक है, नॉर्मल खाई मैंने, सिल्क खा ली, ठीक है, और बाद में मैंने खा ली नट्स वाली, तो हो सकता है कि दोनों तो हैं डेयरी मिल्क के, ठीक है, लेकिन क्या क्वालिटी सेम है दोनों की, नहीं, ये नट्स वाली और ये सिंपल है सिल्क है, ठीक है। तो हो सकता है कि मेरी जो चॉइस हो, मुझे ये नट्स वाली ज़्यादा पसंद हो, तो मैंने पहले भले ये खा ली है, लेकिन क्योंकि मुझे नट्स वाली ज़्यादा पसंद है तो मुझे सेटिस्फेक्शन किससे ज़्यादा मिलेगा इससे, और ये तो मैंने बाद में खाई है। अरे बात समझ में, तो क्वालिटी अगर सेम नहीं हुई तो इससे मुझे हो सकता है कि कम यूटिलिटी मिली हो, इससे हो सकता है मुझे 20 मिली और इससे मुझे 25 मिली हो, तो ये जो लॉ है तो गलत प्रूफ हो गया। ये खाने के बाद इसकी सेटिस्फेक्शन क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी इसकी यूटिलिटी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, क्योंकि क्वालिटी क्या है हमारी, डिफरेंट है। तो दैट इज़ वाई इस लॉ को ट्रू प्रूव करने के लिए हमें क्वालिटी क्या रखनी पड़ेगी, सेम रखनी पड़ेगी। इसके बाद है रैशनल कंज्यूमर। रैशनल मतलब पता है क्या होता है, होशियार, बुद्धिमान, ठीक है। रैशनल इज व्हाट, यहाँ पर मैथ्स के टर्म्स में रैशनल इरेशनल अलग होता है, बट अगर मैं इंग्लिश या ऐसे इसमें देखूँ तो रैशनल इज, इरेशनल मतलब होता है जो बेवकूफ़ कह सकते हैं एक तरीके से, मतलब सही तरीके से नहीं सोचता। रैशनल क्या, जो बुद्धि, ठीक है, तो रैशनल कंज्यूमर दैट मीन्स हमारा जो कंज्यूमर है उसको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए दो प्रोडक्ट्स में, दो कमोडिटीज़ में, या फिर हाँ दो कमोडिटीज़ उसको क्या आना चाहिए, डिफ्रेंशिएट करना, तभी तो क्या दे पाएगा उसको कि हाँ इससे मुझे इतनी यूटिलिटी मिली है। या फिर अगर एक ही कमोडिटी की बात करूँ तो उसको ये बताना आना चाहिए कि वो इतना, मतलब वो होशियार होना चाहिए ये बताने के लिए कि फर्स्ट लेवल से इतनी यूटिलिटी मिली है, दूसरे लेवल से उससे कम मिली है, मतलब उसको इस चीज़ की परख होनी चाहिए, राइट। तो दैट इज़ वाई रैशनल कंज्यूमर, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज़। इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज, देखो इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज क्या मतलब है इसका, कि अगर कोई भी प्रोडक्ट ए है या गुड कमोडिटी ए है और कोई कमोडिटी बी है, अलग अलग है ना दोनों, कि अलग अलग की बात करूँ यहाँ पर, सेम की बात नहीं कर रही हूँ। इसकी मैंने 1 यूनिट, 2 यूनिट जितनी भी खाई मैंने, इसको खाया मैंने, ओके, इसको भी खाया मैंने, तो इसके खाने की वजह से क्या इस पर इफेक्ट पड़ना चाहिए, नहीं, क्योंकि दोनों की क्वालिटी क्या है, अलग है ना, सेम होनी चाहिए बट यहाँ पर अलग है। तो मैं ये इंडिपेंडेंट, इसका मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज का मतलब यही है कि अगर दो अलग अलग हमारे पास क्या है, कमोडिटी है, तो एक का इफेक्ट दूसरे पे नहीं आना चाहिए, उससे जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिली उसका क्या इफेक्ट है इस पे, कुछ नहीं, ये अलग है, इसको खाने से मुझे अलग यूटिलिटी मिलेगी और इसको खाने से मुझे अलग मिली है, तो बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो ये है हमारा क्या, इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज, राइट। इसको ना एक और टर्म्स में मेजर करते हैं कि एक पर्सन को जो यूटिलिटी मिली है, ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे पर्सन को भी सेम यूटिलिटी मिले उस चीज़ से, राइट। तो मतलब एक पर्सन की जो यूटिलिटी है दैट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर पर्सनस यूटिलिटी, दैट इज़ वाई वी हैव योर इज इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज। आई बात समझ में क्लियर है, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस, एक और लिखो।
फिक्स्ड इनकम एंड प्राइस। ये अज्यूम किया जाता है कि कंज्यूमर की इनकम जो है वो फिक्स्ड है, और प्राइस जिस प्राइस पे भी चीज़ें मिल रही है वो प्राइस भी क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, ये नहीं कि आज प्राइस ये है कल ये है। क्यों क्यों ऐसा, प्राइस के देखते सबसे पहले, प्राइस के लिए क्यों ऐसा। ये मान लो कि आज कोई चीज़ सस्ती है, ओके, मैंने उसको ख़रीदा, मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने सस्ते में ख़रीदा और मुझे अच्छा भी लग रहा है, तो मेरी सेटिस्फेक्शन क्या है, ज़्यादा है कि येस इट वॉज़ वर्थ इट, राइट। ये बोलते हैं ना, एक वर्थ इट था ये प्रोडक्ट जो भी है। अब वही चीज़ अगर महंगी हो गई कल बहुत ज़्यादा, और मैं महंगे प्राइस पे ख़रीदूँ और मुझे सेटिस्फेक्शन किस, देखो मैंने ख़रीदा, मान लेते हैं कि 20 रुपये में ख़रीदा कोई चीज़, ठीक है, मुझे सेटिस्फेक्शन मिली, उसी चीज़ को मैं 40 में ख़रीदूँ और ये सेटिस्फेक्शन तो मुझे यही मिलेगी कि सेम ही है ना, भले मैं बाद में खरीदूँ, सेटिस्फेक्शन मुझे क्या मिल रही है, वही मिल रही है। तो मैं क्या सोचूंगी कि उसको पहले 20 रुपये में ख़रीदने से मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, अब तो मुझे 40 में ख़रीदना पड़ रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग उसकी यूटिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, है ना, कि अब तो महंगा ख़रीदना पड़ रहा है मुझे उसे, तो उस महंगे के अकॉर्डिंग इसकी सेटिस्फेक्शन क्या है, कम है। ये हो गया, इनकम चेंज भी नहीं होगा, तो इसलिए इस चीज़ को ट्रू होल्ड करने के लिए प्राइसेस क्या होने चाहिए, फिक्स होने चाहिए। ठीक है, इनकम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अब कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो वो महंगी भी खरीद सकता है सस्ते में, मतलब बेसिकली यहाँ पे यही है कि उसकी विलिंगनेस जो है वो बाय करने की उसकी चेंज हो जाएगी, तो दैट इज़ वाई ये भी क्या, दोनों क्या होने चाहिए हमारे, फिक्स्ड होने चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे अजम्पशंस हैं, तो इतने ही अजम्पशंस लिखेंगे हम, ओके। और इसको क्या करना है, अजम्पशंस को लिख लिया ये वाला, हाँ, अजम्पशंस क्या करोगे, घर जाके एक बार रीड करोगे कि एक बार, क्योंकि मैंने क्या एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है, अंदर कुछ नहीं है, सब में एक एक लाइन लिखी है, दो दो लाइन लिखी हुई है, ऐसे जो मैंने एक्सप्लेन किया वही लाइन लिखी हुई है, तो बाई गिविंग एग्जाम्पल्स यू कैन प्रूव दैट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल स्पून वाला दे सकते हो, वहाँ पे एग्जाम्पल जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है, एग्जाम्पल जहाँ पे अलग अलग हमारी वो है कमोडिटीज़ हैं, कंटिन्यूस वाले में एग्जाम्पल दे सकते हो कि अगर मैं कंटिन्यूसली नहीं कर रही हूँ, एग्जाम्पल दे दिया कि आज मैंने अभी आइसक्रीम खाई, अब मैं कल खाऊंगी, तो कल भी मेरी क्रेविंग हो सकता है हो आइसक्रीम की, लेकिन मुझे तभी खानी है, राइट, तो दैट इज़ कंटिन्यूस वाला एग्जाम्पल। तो हर चीज़ का क्या एग्जाम्पल है, एंड यू कैन गिव दैट एग्जाम्पल। ठीक है, ऑल राइट, देखो यहाँ पर डी एम यू को हम डी एम यू, मतलब लॉ ऑफ डी एम यू इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, शॉर्ट में डी एम यू बोलते हैं उसको। ठीक है, इसको थोड़ा सा प्लॉट करना सीखते हैं। प्लॉट करना क्या, एम यू की वजह से, डी एम यू क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। प्लॉट किसको करना है, बनाना किसका ग्राफ है, एम यू को ही बनाना है हमें, यहाँ पर एम यू ही तो कम हो रही है यहाँ पर, तो यही है, तो इसी को प्लॉट करेंगे फिर से। देखो एक बार यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम लिख ले लो, ओके, सिर्फ एम यू को प्लॉट करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एम यू ले लो, ओके, 2016 10 4 वही सेम जो बनाया था ना पहले, वही सेम बनेगा, 2016 10 4 06 -6, सॉरी। पॉइंट ऑफ सेटाइटी क्या है, ऐसी बताओ मुझे, पॉइंट ऑफ सेटाइटी कौन सा वाला है जहाँ पे अब इसके बाद कोई सेटिस्फेक्शन वही नहीं मिलेगी, तो पॉइंट ऑफ सेटाइटी कौन सा हुआ, ये हुआ। ठीक है, यूनिट बताओगे, ठीक है, जीरो से तो हमने देख रखे, हाँ यहाँ जीरो है तो यहाँ पे होगा पॉइंट ऑफ सोसाइटी, लेकिन यूनिट कौन सी होगी, फिफ्थ यूनिट। ठीक है, पॉइंट ऑफ सोसाइटी बोलेंगे इसको, इसको रिप्रेजेंट कर लोगे, कैसे करेंगे, वही बनाएंगे हम जो पहले वाले ग्राफ पे आओ, ठीक है, दोबारा से प्लॉट करके नहीं, ऐसे देखो पहले वाले ग्राफ पे आ जाओ फटाफट से, जो पे बनाया था, कैसा बना था, कुछ ना कुछ ऐसा बना था, ठीक है, बिल्कुल ऐसे नहीं, तो थोड़ा सा मतलब जहाँ से बना था यहाँ से कहाँ से ही बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसा बना था। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अलग अलग हमारे पास क्या है, पॉइंट्स हैं, यहाँ पे यूनिट्स हैं, है ना, यूनिट्स हैं हमारे, राइट, और यहाँ पे हमारे क्या है, एम यू है, एम यू तो हमें दिखाना है यहाँ पे, डी एम यू, डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग मतलब क्या है, डिक्रीजिंग है तो एम यू ही, बस क्या ऐड कर दे कि एम यू कैसा होता है, डिक्रीजिंग होता है, तो डिक्रीजिंग होता है, यस, कैसे, क्यों डिक्रीजिंग होता है, हमने जब पहले भी बनाया तो हमने देखा था कि इट वाज व्हाट, डाउनवर्ड स्लोपिंग, एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब ही क्या है, कि वो क्या है, डिक्रीजिंग है,
आ रही बात समझ में? मतलब क्या, नेगेटिव रिलेशनशिप कह सकते हैं हम एक तरीके से। कैसे? एक यूनिट के बढ़ने की वजह से, ठीक है, मतलब यहाँ पे इंक्रीज एक यूनिट का हो रहा है, लेकिन इसमें क्या 20 से ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है यहाँ पे। जैसे ये 1 से 2 हो गया, लेकिन ये क्या है, कम हुआ है ना। फिर यहाँ पे 2 से 3 हो गया, लेकिन ये यहाँ पे क्या हुआ, फिर से कम हुआ है। तो ये हमारा क्या है, यूनिट बढ़ रही है और ये इंक्रीज हो रही है। तो ये एक नेगेटिव रिलेशनशिप है, दैट इज़ वाई इट इज़ वॉट डाउनवर्ड स्लोपिंग है। एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग, मतलब इसका ग्राफ ऐसा बनता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। पॉइंट ऑफ सेटाइटी कौन सा वाला है, ये वाला पॉइंट? क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये 0 है एम यू, तो एम यू 0 इज पॉइंट ऑफ सेटाइटी। ठीक है, नेगेटिव एम यू कहाँ होगा, इससे नीचे, पॉजिटिव एम यू इससे ऊपर। ठीक है, देखो तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो, बस लिखना क्या है, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि एम यू कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड इंडिकेटिंग एमयू कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड इंडिकेटिंग डिक्रीज इन सेटिस्फैक्शन सेटिस्फैक्शन विथ ईच सक्सेसिव यूनिट। मतलब हर एक सक्सेसिव यूनिट की वजह से एम यू जो है हमारा क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोप करता है। ठीक है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन क्या होती है, कम होती रहती है। इसलिए ग्राफ पता है ना कौन सा बनेगा, एम यू का बनेगा। इट इज़ नथिंग डिफरेंट फ्रॉम एम यू, इट इज़ जस्ट कि एक लॉ बता दिया गया है कि एम यू डिक्रीज होता है, तो इसको एक लॉ का नाम दे दिया गया है। आई बात समझ में है, एम यू की बात यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर वी हैव ना 3 पॉइंट्स, इसको डिस्कस करेंगे एंड इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। बस ये पॉइंट डिस्कस करेंगे एंड देन विल एंड द क्लास एंड आई विल बी गिविंग यू टू सम क्वेश्चंस टू डू ऑन टी यू एंड एम यू, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत। ठीक है, देखो पहला पॉइंट दिया हुआ है, एम यू में इंक्रीज इनिशियली, सुन लो बस। ठीक है, कि स्टार्टिंग में एम यू जो है इंक्रीज कर सकता है कभी कभी। ठीक है, अब देखो क्या बोला गया यहाँ पर, वी कैन सी एम यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर क्या बोला, इंक्रीज कर सकता है, राइट। इन सर्टेन सिचुएशंस एम यू में इंक्रीज, कुछ सिचुएशंस में, ये जो अभी तक हमने पढ़ा है हमें यही लिखना है, ये जनरल यही होता है हमेशा। वो कुछ एक्सेप्शन हैं हमारे, वो एक्सेप्शन्स पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, किस किस केस में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ थर्स्टी पर्सन मे बी मोर सेटिस्फाइड विद द सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर। हो सकता है कि उसको पहले ग्लास से उसकी प्यास नहीं बुझी, तो दिस कुड बी एन एक्सेप्शन। लेकिन जनरली क्या होता है, यही होता है कि एम यू क्या होगा, डिक्रीजिंग ही होगा। तो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में ये नहीं लिख करके आना, ये अगर एक्सेप्शन पूछ लिया जाए कि क्या कभी पॉसिबल है ऐसा, तो यस कभी ना कभी तो पॉसिबल हो सकता है ऐसा। ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट सर्कमस्टांसेस, ये क्या सिचुएशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। नो इंडिकेशन अबाउट द रेट ऑफ फॉल इन एम यू। ओके, तो रेट ऑफ फॉल की कोई इंडिकेशन या कुछ भी ऐसे कुछ कोई इंडिकेट नहीं करता, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट रहता है रेट ऑफ फॉल। मतलब हो, यहाँ पे देखो 4 यूनिट जो है कम हुई है ना, पहले मुझे 20 यूनिट की सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, अब मुझे 16 यूनिट की मिली है, 4 यूनिट कम हुई। अगले को देखो तो 6 यूनिट कम हो गई। ये रेट किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा ना, कि कितना, मुझे क्या पता एक यूनिट, हाँ मुझे ये पता है कि एक यूनिट को मैं अगर इंक्रीज़ कर रही हूँ तो सेटिस्फेक्शन मेरी कम हो रही है, लेकिन कितनी कम होगी वो नहीं पता, वो सबके अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। तो रेट ऑफ फॉल जो है वो कभी भी फिक्स नहीं है। ठीक है, सिनोनिमस ऑफ लॉ ऑफ डी एम यू। ओके, तो अब सॉरी सिनोनिम्स ऑफ लॉ ऑफ डी एम यू, कि लॉ ऑफ डी एम यू जो है इसके और क्या क्या सिनोनिम्स है, इसके और क्या, इसको हम और क्या क्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो मैंने बताया था गॉसन्स लॉ ऑफ फर्स्ट कंजम्पशन। ठीक है, और इसके नाम है फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, क्या नाम है इसका, फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन या फिर फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। साइकोलॉजिकल मतलब माइंड सेट के अकॉर्डिंग, सबके अपना अपना है, साइकोलॉजिकल इज वॉट माइंड से कुछ रिलेटेड, राइट। तो फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ और फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी बोलते हैं इसको। ये क्लियर है, अब फटाफट से होमवर्क वाले पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट क्लास में विल स्टडी की कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, जो कि नाम ही है इस लेसन का, राइट, चैप्टर का, वो क्या होता है,
वो कैसे रीच करते हैं, क्या उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, सब कुछ देखेंगे। अब होमवर्क पे आते हैं फटाफट से। आई वॉन्ट यू एम यू वाले क्वेश्चन जिसमें थोड़े से ऐसे लॉजिंग टेबल जैसा हो। ये रहा पेज नंबर 2.59 पे देखो, मतलब यहाँ देखो देयर आर सम क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पर जैसे गैप्स हैं है ना, ये फिल करने हैं। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेना कि क्या आप निकालना है डिराइव कुछ ना। यहाँ पे अ पर्सन, यहाँ पे टी यू गिवन है, हमें क्या निकालना है, एम यू निकालना है, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं है, ट्राई करना जितने हो पाए करने हैं, ठीक है। जो नहीं हो पाएंगे विल डू दैट। ओके, एक चीज़ और देखो, एम यू की बात करो, टी यू कैसे निकालते हैं हम, इसको प्लस करके निकालते हैं है ना। एम यू को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 20 है, क्योंकि कुछ भी यहाँ पे कुछ और एडिशन एडिशनल नहीं है, मतलब एक फर्स्ट यूनिट है अभी। तो सेकेंड यूनिट की बात करूँगी तो कितना आ जाएगा, इन दोनों क्या कर दूंगी, प्लस कर दूंगी, 36 आ जाएगा। तो टी यू जो है हमारा, एम यू का क्या है, सम है ना। तो टी यू को मैं क्या लिखूंगी, सिग्मा एम यू। वाई सिग्मा, मतलब पता क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है समेशन एडिशन। कि टी यू कैसे निकलेगा, जब मैं एम यू का समेशन कर दूंगी, ठीक है। ये एक पॉइंट थोड़ा सा रह गया था, बता दिया था मैंने, बट लिखना कैसे, ये ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। आई बात समझ में। और इसी का उल्टा हो जाएगा, अगर मैं बस यहाँ पे टी यू गिवन है तो मैं इसमें से अपने इस लेवल में से इस लेवल को माइनस करूँगी, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एम यू आ जाएगा, राइट। तो टी यू की हेल्प से मैं एम यू निकाल सकती हूँ, एम यू की हेल्प से मैं टी यू निकाल सकती हूँ, क्लियर। अगर एम यू को ऐड करने पर टी यू आ रहा है, तो टी यू को माइनस करने पर तो एम यू आएगा, है ना। तो ये दिस इज अ पॉइंट, क्लियर। तो ये क्वेश्चंस करने हैं, बस यही है आज के लिए, इतना ही।